Welcome to my channel. Here is a question. If the radius of a circle is decreased by 50%, so find the percentage decrease in its area. इसमें इस सर्कल का क्या रेडियस 50% डिक्रीज हो रहा है. मीन सपोज इसकी ओरिजिनल रेडियस अगर r है तो उसकी ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर और 50% डिक्रीज हो रहा है, तो जो उसका न्यू रेडियस जो होगा, वो न्यू रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड वाले का 50%, ओल्ड का 50% डिक्रीज हो रहा है. तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r/2. तो न्यू एरिया हमारा क्या हो गया, न्यू एरिया हो जाएगा पाई आर रेडियस स्क्वायर. तो रेडियस हमारा हो जाएगा r² / 4. तो फाइंड क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया. तो हम निकाल लेते हैं इसमें भी परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा कि ये न्यू एरिया जो है वो छोटा हो रहा है, ये बड़ा एरिया है. तो हम बड़े वाले में छोटे को माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर. और इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 लगा देंगे. तो अब इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एंड पाई आर स्क्वायर इंटू 100. तो पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25. तो 25 × 3 = 75% इज द आंसर. Thank you for watching.